तो गाइस देख सकते हो भंडारा स्टार्ट हो चुका है, सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और मंदिर के पास ही भंडारा है। जैसे आप भारत भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के जाओगे वहीं पर आपको भंडारा मिलेगा। ये अलवर भंडारा देख सकते हो आप, लाइन से चलना है बस। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर भंडारे की, सभी भक्तजन आए हुए जितने दर्शन करते हैं मंदिर से भंडारा खा रहे हैं यहाँ पे, निःशुल्क सेवा है। जय बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ के जैसे आप दर्शन करने आते हो आपको विशाल से विशाल भंडारे मिल जाएंगे। फिलहाल भंडारे मिल रहा है हलवा और चने का प्रसाद मिल रहा है, देख सकते हो भंडारे में, और सुबह सुबह का नाश्ता है ये। ऐसे विशाल से विशाल आपको भंडारे मिलेंगे बाबा केदारनाथ से मंदिर से। जैसे ही आप बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए जाओगे उधर ही आपको भंडारे मिल जाएंगे। हर हर महादेव लिखते रहे दोस्तों, और कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये भी बताते रहे कमेंट बॉक्स में। जय बाबा केदारनाथ। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ये जो आप सामने ये पुल देख रहे हो इस पुल से पार होकर जब जाओगे आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है भंडारे पे, और लाइन लगा के आपको प्रसाद मिलता रहेगा ऐसे भंडारे में। जय बाबा केदारनाथ लिखते रहे हर हर महादेव। विशाल से विशाल भंडारे चल रहे हैं यहाँ पे बाबा केदारनाथ के दर पे। और जैसे भी आप ये वाला ब्रिज पार करके जाओगे भैरव बाबा के मंदिर की ओर, तो आपको ब्रिज पार करते साथ ही आपको एक और भंडारा मिलेगा। और ऐसे ही चल चलते ब्रिज पर आपको भी केदारनाथ के कितने सुंदर सुंदर व्यू मिलेंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे देखने लायक बाबा केदारनाथ के दर पे। और यहाँ पे देख सकते हो भैरव बाबा मंदिर से आप जाओगे तो पहले यहाँ पे भंडारा मिलेगा अलवर भंडारा। आपको ये चलता है, टाइमिंग बताएंगे इसको अलवर भंडारे की। आपको देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग इस भंडारे की, प्रत्येक 9 बजे और दोपहर में दो बजे है और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक है, देख सकते हो आप। यहाँ पे इनका स्टोर रूम है, यहाँ पे सामान वामान सब रखा हुआ है। विशाल से विशाल भंडारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे बाबा केदारनाथ के। यहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था है, आइए आप दर्शन करने आइए बाबा केदारनाथ के मंदिर के। तो गाइस देख सकते हो भंडारा स्टार्ट हो चुका है, सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और मंदिर के पास ही भंडारा है। जैसे आप भारत भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के जाओगे वहीं पर आपको भंडारा मिलेगा। ये अलवर भंडारा देख सकते हो आप, लाइन से चलना है बस। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे भंडारे की, सभी भक्तजन आए हुए जितने दर्शन करते हैं मंदिर से भंडारा खा रहे हैं यहाँ पे, निःशुल्क सेवा है। जय बाबा केदारनाथ। देख सकते हो भंडारे की लाइन काफी लंबी लाइन लगी हुई है, यहीं पर लाइन से लगने भंडारा ले सकते हो आप प्रसाद। और भंडारे की लोकेशन की बात करी जाए, जैसे आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओगे यहीं से, तो मंदिर के पास ही यहीं पे भैरव बाबा के एंट्री पॉइंट पे भंडारा है, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हो वहाँ के आप पास में ही भैरव बाबा के मंदिर के। हर हर महादेव लिखते रहे। जय बाबा केदारनाथ। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा केदार के मंदिर के पास, आप देख सकते हो दर्शन करा रहा हूँ आपको एकदम पास से बाबा केदार के मंदिर के। हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। जय बाबा केदारनाथ। सामने देख सकते हो बाबा केदार का मंदिर, यहीं से आपको दर्शन करा रहा हूँ बाहर से मैं। जय बाबा केदारनाथ। जो पुजारी होता है मंदिर के पास के वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और नंदी के भी दर्शन कराता हूँ आपको, देख सकते हो मंदिर के पास के आपको दर्शन हो रहे हैं। और सामने मेन गेट है मंदिर का, जय श्री केदारनाथ। और देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है भक्तों की दर्शन करने के लिए बाबा केदार के, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ही जानकारी मिलती रही हमारे यूट्यूब चैनल पर केदारनाथ की। देख सकते हो बाबा केदारनाथ का मंदिर दिख रहा है, और उधर सामने ऊँचे ऊपर ही वो दिखा दूँ आप ग्लेशियर देख सकते हो आप, जो वाइट वाइट देख रहे हो सारे पहाड़ हैं ये बर्फ़ के पहाड़, ग्लेशियर दिख रहे हैं सामने।